स्वराज अभियान के नेता प्रोफेसर युगन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। तो युगन जी से पूछते हैं कि स्वराज अभियान के जो किसान रैली हुई है उसको लेके कल जो कठिनाइयां सामने आई हैं उनके बारे में पूरा विचार पूछते हैं युगन जी का। युगन जी, जो कल आपने किसान रैली की, उस किसान रैली में एक अद्भुत संगम दिखाई दिया। किसानों की रैलियाँ जो अब तक फ्लॉप होती रहीं, वो सिर्फ संगठनों की अपनी अपनी मनोदशा की वजह से आज तक किसानों का आंदोलन कभी कामयाब नहीं रहा है, लेकिन इस रैली में कुछ अलग नज़र आया। आपकी रैली जब विधिवत संपन्न हो गई तो फिर आपको ऐसी किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो आपके सामने ये सब पुलिस प्रशासन और ये सब नज़र आए? रैली कई मायनों में अलग थी। शांति भूषण जी ने तो कहा कि बिल्कुल ऐतिहासिक थी। मैं समझता हूँ एक छोटा कदम था लेकिन सही दिशा में कदम था। दो तीन चीज़ें नई थी इस रैली में। बहुत वक्त बाद कोई ऐसी रैली हुई दिल्ली में किसानों की, एक राष्ट्रीय रैली हुई जिसमें देश के अलग अलग इलाकों के लोग आए, दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से। आमतौर पर किसान राजनीति किसी एक वर्ग की बन जाती है। हमारी इस किसान रैली में काश्तकार भी थे, बटाईदार भी, भूमिहीन मजदूर भी, आदिवासी विस्थापित से परेशान, सब तरह के वर्गों को समेटने और जोड़ने की कोशिश की गई। तीसरा, आमतौर पर किसान राजनीति केवल अल्पकालिक हितों की होती है। गन्ने के भाव मिल गए कि नहीं मिल गए, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बहुत कम किसान आंदोलन है जो दीर्घकालिक दृष्टि रख के किसान आंदोलन को देख रहे हैं। ये जो किसान रैली थी इसमें एक दीर्घकालिक दृष्टि बनाने की कोशिश है कि जो अब जहरीली और एक ऐसा मॉडल खेती का हो गया है जो कि टिकाऊ नहीं है, उसके एक विकल्प की खोज भी थी, इस सब मायनों में नई थी। इस रैली में एक संकल्प हमने लिया जी। रैली के बीच में से विचार आया कई साथियों का और वो वहीं एक प्रस्ताव की तरह पारित हुआ कि हम एक प्रतीक ढूंढें किसानों के अपमान का, एक प्रतीक किसानों के मान का जी। किसान के अपमान का प्रतीक है रेस कोर्स, रेस कोर्स जो कि प्रधानमंत्री के घर के सामने सड़क के पार। नहीं नहीं, एक इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, आपने ऐसा क्या समझा और क्यों रेस कोर्स को ही चुना? रेस कोर्स जो कि प्रधानमंत्री के घर के सड़क के पार है, वो कई मायनों में किसान के साथ जो इतिहास में पिछले 100 साल में जो अन्याय, शोषण, अत्याचार हुआ है उसका प्रतीक है। ये जो ज़मीन है रेस कोर्स की, ये मालचा गांव के किसानों की ज़मीन है जो उनसे ज़बरदस्ती एक्वायर की गई थी, उन्हें मुआवजा तक मिला नहीं था, एक्वायर की गई थी जनहित में, पब्लिक पर्पज़ के लिए जी। लेकिन लेके दे दी गई एक प्राइवेट क्लब को जी। वो प्राइवेट क्लब बन गया कंपनी और वो कंपनी करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती है साल में जी। और मुनाफा किस चीज़ से कमाती है? जुए से, सट्टे से जी, जी। तो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे एक जुआ घर, सट्टा घर चल रहा है सरकारी ज़मीन पे, और वो भी तब जबकि उसकी लीज 17 साल पहले ख़त्म हो चुकी है जी। तो एक मायने में इसमें सब कुछ है, सत्ता, धोखा, धक्का, निजी और सार्वजनिक का दिक्कत। तो किसान के साथ जो कुछ हुआ है वो सारी कहानी इस प्रतीक में समाहित है। इसलिए हमने मांग की कि ये जुआ घर ख़त्म हो और इसकी जगह एक किसानों का स्मारक बने, उन किसानों का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहादत हासिल की, उन किसानों का जो पिछले 65 साल में विस्थापन की वजह से अपना सब कुछ खो बैठे विकास के नाम पे, और उन 3 लाख किसानों का जिन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा पिछले 15 सालों में जी। जब आप अपना शाम को विधिवत पूरी रैली संपन्न हुई, उसके बाद आपने एक रैली में क्वेश्चन की जनता को बताया था कि इस हल को हम कांवड़ की तरह यूज़ करेंगे, जब तक हम इसे रेसकोर्स तक नहीं ले जा पाएंगे तब तक इसे ज़मीन पे नहीं रखेंगे। उस हल को लेके जब आप चले, प्रतीक को लेके, तो ऐसी क्या घटना घटित हो गई, क्या प्रशासन को ऐसा कमज़ोर नज़र आया, क्या आपने प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी रैली करने की, या प्रशासन को आपने नहीं बताया कि हम रेसकोर्स जाएंगे, क्या ऐसा घटना घटित हुई जो पुलिस को आपको गिरफ्तार करने की नौबत आई? दरअसल उस वक्त तो कुछ भी घटित नहीं हुआ। हमने घोषणा की कि हम इस अन्याय, शोषण के प्रतीक रेस कोर्स के विरुद्ध एक किसानों के मान सम्मान के प्रतीक के रूप में एक विशाल हल को वहाँ ले जाके स्थापित करेंगे। हमने मंच से घोषणा कर दी थी कि
कि यदि पुलिस हमें रोकेगी तो हम वहाँ रुक जाएंगे। पुलिस से भिड़ंत करना, किसान के बेटे से लड़ाई करना हमारी कोई इच्छा नहीं है। पुलिस ने रोका, हम रुक गए। हमने वहीं खड़े होके हमने पुलिस को एक ऑफर दिया। हमने कहा कि केवल महिलाएं इसको लेके आगे बढ़ेंगी, अगर आपको लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, केवल महिलाएं जाएंगी। पुलिस ने कहा वो भी संभव नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको इसकी दिक्कत है, ये भी ठीक है, हम यहीं खड़े हो जाते हैं। बस हम वहीं खड़े हो गए और वहीं खड़े होकर गीत गाने शुरू किए। ये भारी जो बहुत विशाल हल था, कोई 2-1.5 क्विंटल का रहा होगा, उसे लेके हम वहाँ खड़े रहे। पुलिस वालों ने कहा कि इतने अनुशासित आप लोग तो हैं। कुछ समय बाद हमसे अनुरोध किया कि ठीक है आप यहाँ कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, लिखित परमिशन आपके पास बाद में पहुँच जाएगी, लेकिन आप अगर 50 मीटर पीछे हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक को दिक्कत आ रही है। हम 50 नहीं, हम तो 200 मीटर पीछे हो गए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। तो हम वहाँ हो गए, सब कुछ बढ़िया था। अचानक आधी रात को मैसेज आता है कि बस 10 मिनट में खाली करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं कोई कारण नहीं, वापस गया वही अफसर सामने थे। मैंने कहा अरे 2 घंटा पहले तो आप हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? मैंने कहा ऊपर से हुक्म आया है। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान में, मोदी जी की सरकार में, किसी को घबराहट महसूस हुई। ये वो जंतर मंतर है जहाँ दर्जनों प्रदर्शन होते हैं रोज, उस दर्जनों में से ऐसा एक क्या बात थी इस हल में जिससे इतनी विचलित थी ये सरकार? ऐसी एक क्या बात थी इस प्रदर्शन में जिसके बारे में इतना चिंता थी? नहीं, अधिकारी ने आपसे बता भी दिया कि दबाव है इसलिए हम आपको ये सब अवगत करा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा किसकी तरफ से है, कहा ऊपर से हुक्म है। अब मैं मानता हूँ कि जब कोई पुलिस अधिकारी कहते हैं ऊपर से हुक्म, इसका मतलब होता है गृह मंत्रालय से ऑर्डर आते हैं। तो उन्होंने कहा ऑर्डर्स हैं हमारे, कोई ऐसा करना ही है। अभी तक मुझे पता नहीं क्या कारण होगा, लेकिन मैं समझता हूँ दो चीज़ें रही होंगी। या तो जो रेस कोर्स है, इसके जो राजनीतिक आका है वो बहुत ताकतवर लोग हो सकते हैं, पहुँच बहुत लंबे हाथ हैं उनके बहुत ज़्यादा, या फिर ये जो हल का प्रतीक था, इस प्रतीक से कहीं घबराहट हुई। ये सरकार जो कि किसान विरोधी सरकार के रूप में स्थापित होती जा रही है, वो सरकार ये नहीं चाहती थी कि ये चीज़ स्थापित हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार वैसे ही अभी भूमि अधिग्रहण बिल को लेके मुंह की खानी पड़ रही है, लगातार डेली लोकसभा नहीं चल पा रही है, तो कहीं ये किसानों का मुद्दा और कोई एक नया बवाल पैदा कर दे। जी, कहीं ऐसा ही कोई संकट था सरकार को, और ऐसा लगता था कि ये जो प्रतीक के रूप में बन गया, और अगर किसान इस प्रतीक को लेके मोबिलाइज हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं ऐसा कोई निर्णय लिया गया होगा। आपने ट्वीट करके बताया पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे धक्के मारे, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, क्या ये सब किया गया? इसीलिए ट्वीट किया। आधी रात को वहाँ पहुँचे, वहाँ पे पुलिस ने कहा कि खाली करेंगे। हमने कहा कि नहीं, आपने हमने सब कुछ ठीक तरीके से किया है, और रही बात परमिशन की, आप ही ने तो कहा था कि आप चिट्ठी दे दीजिए, परमिशन मिल जाएगी, और हमने चिट्ठी दे दी थी, तो अब अचानक कैसे बदल गए? हमने कहा कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, आपने ज़बरदस्ती करनी है तो कीजिए। तो उन्होंने ज़बरदस्ती की, जो पुलिस का अंदाज होता है, खींचना, धक्के देना, हल्की सी मारपीट करना, उस तरह से करके बस में कर दिया। वो सब हुआ। अगले दिन जब हम वहाँ सुबह हुई, जब उसके बाद जो वहाँ के SHO थे दिनेश कुमार, उनका व्यवहार बहुत ही क्या कहना चाहिए, शोचनीय था। बाहर निकले हम मेडिकल चेकअप पे जाने के लिए, मीडिया के साथ ही कुछ खड़े थे। आप जैसे व्यवहारिक नेता के साथ जब पुलिस बदतमीजी करेगी, तो कुछ तो बड़ा रूढ़िवादी किस्म के नेता होते हैं जो अपनी बात को मनवा भी लेते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं, लेकिन आपके साथ ये जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है, ये किसी को पछता नहीं है? वो इनायत है आपकी, आप ऐसा समझते हैं। वैसे सच बताऊं तो दरअसल देश में सामान्यतः सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस जिस तरह की चीज़ें करती है, उसकी तुलना में मेरे साथ जो हुआ वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन देश में जो होता है उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली में था इसलिए थोड़ा दिख जाता है, थोड़ी चर्चा हो जाती है इन चीज़ों पे, पर मैं जानता हूँ लोगों को तो अधमरा कर देती है पुलिस। कस्टोडियल मर्डर्स हमारे देश में इतने ज़्यादा होते हैं। जो हमारे साथ हुआ उसमें भिन्न ये रहा कि वो संयोग से कैमरे पर आ गया। कैमरे पर आ गया तो जो चीज़ कैमरे के सामने होती है वो खबर बन जाती है।
कैमरा तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है, तो बात आप पहले ही बता चुके हैं। तो वो चीज़ जब वहाँ हम बात करने गए मीडिया से, तो पीछे से उसके SHO ने आके जिस तरह से हमें घसीटा, खींचा, धक्के दे के अंदर किया, वो सब कैमरे में आया। जो चीज़ कैमरे में नहीं आई वो ये कि उसके बाद ले जाके उस SHO ने हमें धमकाया, कहा कि मार दूंगा, भड़ता बना दूंगा, हड्डी मसली एक कर दूंगा। और ये नाम ले कि मिस्टर यादव अपने आप को क्या समझते हो, पंकज पुष्कर MLA हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब कह के हमें किया। जो बहुत बहुत स्तब्ध करने वाली घटना थी, पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर सामने धमकाते हुए इस तरह के व्यवहार को SHO करे, तो इसके बारे में हमने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाके भी बताया। अब पुलिस ने जब आपके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया है, धमकी दी थाने में, ये सब भद्दे शब्द यूज किए आपके लिए, तो क्या पुलिस के खिलाफ आप कोर्ट जाएंगे? कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम इसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस पे कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो हमारे साथ हुआ उससे भी ज़्यादा भद्दा एक रात पहले हुआ था, जब हमारी रैली की तैयारी चल रही थी, हमारे वॉलंटियर वहाँ पे खड़े थे, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने जिस निर्ममता से हमारे वॉलंटियर्स को पीटा, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, आप चाहें तो उनमें से कुछ से बात भी कर सकते हैं अभी। उनके सर को चोट लगी, टाँके आए हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं, ये सब हुआ, ये सब दिल्ली पुलिस ने किया, और ये तो घटना मेरी आँख के सामने घटी है। कौन कौन लोग हैं जिनके हाथ पाँव में चोट लगी? एक तो हमारे वॉलंटियर मनीष हैं, जो यहाँ आप उनसे बात भी कर सकते हैं, उत्कर्ष हैं, महिला बिनू हैं, एक लकी हैं, हमारे 7 वॉलंटियर थे जो कि RML अस्पताल के अंदर जिन्हें भर्ती करवाना पड़ा, जिनका इलाज हुआ है। तो ये सब घटनाएं दिल्ली पुलिस ने की, और ये मारपीट वाली घटना तो मेरी आंख के सामने हुई। दिल्ली पुलिस ने सादी वर्दी के लोगों को लेके गुंडागर्दी करवाई वहाँ, और ये सब चीज़ें अगर दिल्ली में घटित होती हैं तो आप ही सोचिए बाहर तो किस तरह की चीज़ें होती हैं। इस सब के बीच जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी से आपको बाहर किया, वो आपसे किस मंशा से मिलने आ गए? मैं बहुत वक्त नहीं लगाता इन चीज़ों पर सोचने के लिए कि आने वाले की क्या मंशा होगी। मैं समझता हूँ कि एक राजनीति का सामान्य कायदा होता है। वहाँ डॉक्टर धर्मवीर गांधी आए, आम आदमी पार्टी के MP हैं, जिन्होंने बहुत खुल के बहुत स्पष्ट मन से रैली में भी बोले थे, अगले दिन भी आए बहुत स्पष्ट रूप से बोले। वहाँ जनता दल यूनाइटेड के अली अनवर भी आए, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। मैंने सुना कि लेफ्ट के लोगों ने भी संसद के अंदर ये सवाल उठाया, और साथ में संजय सिंह जी भी आए। मैं समझता हूँ कि एक राजनीति का सामान्य कायदा है, अब कौन क्या इरादा लेके आता है इसमें बहुत समय नहीं लगाता। अब ये सब घटना होने के बाद आप राज्यपाल से मिली, तो राज्यपाल ने आपको हल वापस कराने के लिए कोई आश्वासन दिया या बैरंग लौटा दिया? देखिए, इसमें दो स्टेजेस में सब कुछ हुआ। एक तो कल जब हमारी अरेस्ट वगैरह हुई, उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने गए, कोर्ट के सामने गए, तो हाई कोर्ट ने पुलिस को डांट लगाई, हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि इनको छोड़ दिया जाना चाहिए, उधर मजिस्ट्रेट ने भी ये ऑर्डर दिया, रिलीज़ कर दिया हमारे को, तो वो हुआ। लेकिन इस सब के बीच उस हल को नहीं छोड़ा गया, वो हल अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ था थाने में, और हमने कहा कि ये तो कोई रिहाई नहीं हुई। आपने ये अपना सवाल मजिस्ट्रेट से नहीं किया था कि हम तभी जेल से जाएंगे निकल के जब हमें हल दिया जाए? हमने मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि आप हल वाले, आप मजिस्ट्रेट और जज से कोई शर्तें नहीं लगा सकते हैं। हमने कहा था कि इसके ऊपर आप विचार करें, उन्होंने कहा हाँ मैं निश्चित DCP से बात करूंगी। हमने कहा आप इसे अपने आदेश में लिख दें, उन्होंने कहा नहीं मैं आदेश में नहीं लिखूंगी, मैं इसे उनसे बात कर दूंगी। जब हम बात करने आज सुबह गए तो उनका रवैया DCP का बदला हुआ था, कहते नहीं सवाल ही नहीं होता, हम आपको नहीं देंगे। हमने कहा यदि आप नहीं देंगे तो ठीक है, फिर हम जहाँ हैं वहीं अनशन पे बैठ जाएंगे। ऐसा होने के बाद राज्यपाल से हमारी बात हुई, उपराज्यपाल से। उपराज्यपाल ने हमारी बात को सुना, और उन्होंने सरकार की तरफ से शायद उस सारी बातचीत के बाद सरकार का रुख बदला हुआ था, और उपराज्यपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हल हमें तुरंत वापस कर दिया जाएगा। तो जब वो हुआ तो एक तरह से किसान के मान अपमान, जो मान के प्रतीक के साथ जो अपमान की घटना हुई थी, वो दोनों चीज़ें, लोग भी गिरफ्तारी से छूटे और ये हल भी गिरफ्तारी से छूटा। आपकी गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई, और क्या फिर आपको सशर्त जमानत मिली या कैसे छोड़ा गया?
हमारी गिरफ्तारी बाद में हमें पता लगा, गिरफ्तारी पुलिस ने दिखा तो दी 2:30 बजे की, लेकिन एक्चुअली हमारे को तो सुबह 11 बजे बताया गया था ये कि 151 और 107 धाराएं कोई होती हैं, तो माने बेसिकली पुलिस ने हमें कुछ करने के लिए, शांति भंग होने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया, शांति भंग करने के आरोप में नहीं, शांति भंग होने की आशंका में गिरफ्तार किया था कि हम ऐसा करने वाले थे। मजिस्ट्रेट को उसके अंदर कोई दम दिखाई नहीं दिया और उन्होंने वहीं उसको खारिज कर दिया और कोई जमानत नहीं मिली है, पूरा केस ही डिसमिस हो गया और हमें डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसको वो पुरानी भाषा में कहते थे बाइज्जत बरी, वो कर दिया गया, मुकदमा ही डिस्ट्रो कर दिया, हाँ उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि सारा केस से बरी कर दिया पूरी तरह से, तो कल ही मुकदमा ख़त्म हो गया। हाईकोर्ट भी तब तक कह चुका था कि ये जो उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई थी और हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वो हो जाए, तो वो तो पूरी रिहाई हो गई और आज हमारे हल्की रिहाई के भी आदेश हो गए हैं, तो एक मायने में आंशिक सफलता मिली इस आंदोलन को। लेकिन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हमारी गिरफ्तारी और हमारी रिहाई तो था नहीं, असली उद्देश्य तो था कि देश का ध्यान किसान की समस्या पर आकृष्ट हो, असली उद्देश्य ये था कि किसान और खेती का जो संकट आज इस देश में है उसके बारे में सोच मंथन विचार योजना शुरू हो। ये बहुत लंबा काम है और एक छोटे से प्रतीक के रूप में हमने ये भी चुना था कि प्रधानमंत्री अपने 15 अगस्त की स्पीच में सिर्फ इस सच को स्वीकार करें कि किसान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। नहीं नहीं, आप इस सब को आंदोलन करने की मंशा क्या है, आप प्रधानमंत्री से आखिर चाहते क्या हैं कि प्रधानमंत्री किस स्वराज अभियान के माध्यम से किसानों को क्या चीज़ दे दें जिससे कि किसानों का भला हो सके? आप स्वराज अभियान के माध्यम से तो क्या देंगे और कब तक देंगे, मुझे इतना हम जरूर मांग कर रहे हैं, बहुत छोटी सी, क्योंकि बड़ी चीज़ें हमेशा एक छोटे प्रतीक के जरिए करनी चाहिए। हमने कहा कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जो राष्ट्र के नाम संदेश देंगे उसमें कम से कम इतना जिक्र कर दें कि किसान आत्महत्या कर रहा है, कम से कम इस सच को स्वीकार कर लें, क्योंकि उनके कृषि मंत्री तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो कहते उनके कृषि मंत्री तो ये बताते हैं कि लोग शराब पीते हैं, कोई उनका कृषि मंत्री प्रदेश का कहता है कि लोग फ़ोन के बिल भरते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो ये सब तो घटनाएं रोज की हो रही हैं, उनके कृषि मंत्री तो मानते ही नहीं किसान आत्महत्या करता है, किसान तो शराब पी के मर जाता है। इसीलिए हमने कहा कि इस तरह की जो अपमानजनक टिप्पणियाँ हैं उस सब का समाप्त का अंत होगा अगर प्रधानमंत्री खुद अपने वक्तव्य में इस सच को स्वीकार करें कि किसान आत्महत्या कर रहा है, सामान्य नागरिकों से ज़्यादा कर रहा है और उसका कारण किसान की दुर्दशा है, और दूसरा प्रधानमंत्री फिर इसका एक योजना बताएं, देश के सामने योजना बताएं कि आत्महत्या मुक्त भारत कैसे बनाएंगे। ये दोनों एक प्रतीक के रूप में हम मांग रहे हैं, तो वो जो वहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था वो तो हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि LGG से बात होने के बाद उन्होंने LGG ने बताया हमें कि सुरक्षा की स्थिति के कारण 15 अगस्त के चलते जितना दबाव है उस सब दबाव के चलते उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम को किसी भी सार्वजनिक जगह पर प्रोटेस्ट ना करें, तो हमने उसे स्वीकार किया है कि हम भी राष्ट्रीय सुरक्षा का जहाँ तक सवाल आता है उसके अंदर कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो चिट्ठी पत्री है, जो संदेश है, प्रचार है, उसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री पे दबाव बनाए रखेंगे और दबाव यही कि वो किसी ना किसी तरह से ये दो चीज़ करें, ये स्वीकार करें कि आत्महत्या हो रही है और इसके बारे में कोई योजना देश के सामने पेश करें। लेकिन क्या उम्मीद लग रही है प्रधानमंत्री किसान की आत्महत्या को स्वीकार करेंगे? जिस सरकार के कृषि मंत्री ना माने तो उम्मीद नहीं लग रही है कि प्रधानमंत्री ये बात मानने को तैयार होंगे। लोकतंत्र में उम्मीद करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र अच्छा होता है, लेकिन इसलिए कि संघर्ष लोगों को, राजनेताओं को दबाता है और कई बार उन्हें सच बोलने के लिए मजबूर भी करता है। चलिए, हो सकता है कि आप अपनी बात में कामयाबी लें, लेकिन अब स्वराज अभियान का जो ये सत्याग्रह है इसका आगे पड़ाव क्या है? ये जो कुछ पिछले 15 दिन में था, यानी कि एक यात्रा के बाद रैली, ये सब एक पहला पड़ाव था। इसके बाद हम कई मायनों में इसे आगे लेके जाएंगे।
स्वराज अभियान ने इस जय किसान आंदोलन के लिए कई अन्य किसान संगठनों के साथ संबंध बनाया था जो कि इसके साथ जुड़े थे। उन सब किसान संगठनों के साथ जुड़ के हमने योजना बनाई है कि हम पूरे देश में जय किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करेंगे, कोई 1,00,000 गांव तक वहां पहुंचेंगे और उन सब से मिल के एक नई ताकत के साथ 6 महीने बाद दोबारा किसानों की कुछ बड़ी चीज़ों लेके एक बड़े आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। उसके लिए एक तरह से ये एक पहली सीढ़ी है देश में कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि जो खेती किसानी का संकट है वो बहुत दूरगामी चीज़ है, बहुत लंबे समय उसका संघर्ष चलेगा और उस लंबे संघर्ष में अभी तो हमने एक छोटा कदम लिया है। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इस छोटे संघर्ष में सफलता हासिल हुई है। किसान आंदोलनों को हारने की आदत पड़ गई है, वो आदत बदलनी होगी। छोटी सही लेकिन एक जीत से शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि ये लंबे दौर तक चलेगी, इसे किसान आंदोलन को हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। तो जंतर मंतर पे जो अभी आपका सत्याग्रह चल रहा था वो भी 15 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? जी, हमारे को एलजी ने ये विशेष अनुरोध किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उन्होंने बताया कि दिल्ली की सुरक्षा के बारे में उनकी क्या क्या चिंताएं हैं, कई चीज़ें जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ऐसी बातें हैं। और हमने कहा कि हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का पर्व और उससे जुड़े हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल हमारे लिए बहुत बड़े सवाल हैं और हम ऐसा रत्ती भर काम नहीं करना चाहते जिससे राष्ट्रीय पर्व पर आँच आए, जिससे सुरक्षा की दृष्टि में कोई भी खतरा उत्पन्न होने की गुंजाइश हो, और यदि ऐसा है तो हम स्वयं उससे पीछे हट सकते हैं। तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पीरियड में कोई भी अब से लेकर 15 अगस्त के बीच में कोई सार्वजनिक प्रदर्शन, धरना इत्यादि नहीं करने का फैसला किया है। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी ने बताया कि ये प्रोग्राम सिर्फ 15 अगस्त के पर्व को लेकर स्थगित किया गया है। एलजी साहब के अनुरोध के अनुसार प्रोग्राम हमारा विधिवत चालू रहेगा लेकिन 15 अगस्त तक इस प्रोग्राम को यहीं स्थगित करते हैं। स्पेशल कवरेज न्यूज़, अब सिर्फ खबर।